हेलो एवरीवन, माय सेल्फ चित्रा यादव, एक्चुअल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट वीमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। थर्ड ईयर के सब्जेक्ट सरफेस ऑर्नामेंटेशन में आज मैं मशीन से कॉर्डिंग किस प्रकार की जाती है वह सिखाऊंगी। थर्ड ईयर के सब्जेक्ट CD 304 में सरफेस ऑर्नामेंटेशन में बेसिक स्टिचेस में मैं आज कॉर्डिंग करना सिखाऊंगी। कॉर्डिंग स्टिच बेसिक मशीन एम्ब्रॉयडरी स्टिच है जो किसी फैब्रिक की सतह को उभरा हुआ इफेक्ट देकर उसे डेकोरेट करती है। इस डेकोरेटिव टेक्निक द्वारा कपड़ों पर कॉर्ड्स या यार्न्स को इस प्रकार सिला जाता है कि वह किसी भी डिज़ाइन को उभरा हुआ 3D इफेक्ट देती है। कॉर्डिंग के लिए आवश्यक मटेरियल इस प्रकार है। कॉर्डिंग के लिए सबसे पहले हमें कॉर्ड्स की आवश्यकता होती है। ये हार्ड कॉर्ड हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होती है, या सॉफ्ट कॉर्ड भी हम काम में ले सकते हैं और उसके स्थान पर वूल का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इसके साथ ही एम्ब्रॉयडरी रील, फैब्रिक और पेपर बुकरम की भी आवश्यकता होती है। कॉर्डिंग करने के लिए हमें जिगजैग एम्ब्रॉयडरी मशीन की आवश्यकता होती है। जिगजैग एम्ब्रॉयडरी स्टिच द्वारा हम आसानी से कॉर्डिंग कर सकते हैं। सिंपल स्विंग मशीन द्वारा कॉर्डिंग करने में थोड़ी कठिनाई होती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन द्वारा कॉर्डिंग करना सिखाऊंगी। बेसिक स्टिचेस की कॉर्डिंग स्टिच बनाने के लिए हमें कॉर्ड की आवश्यकता होती है। इससे उभरा हुआ इफेक्ट आता है। कॉर्ड के लिए हम प्राय 3 प्रकार की कॉर्ड्स यूज कर सकते हैं, हार्ड कॉर्ड, सॉफ्ट कॉर्ड या वूल। हार्ड इफेक्ट देने के लिए हम हार्ड कॉर्ड को यूज़ करते हैं। कॉर्डिंग के लिए जो भी डिज़ाइन बनानी है उसे फैब्रिक पर ट्रेस करके फिर उस पर हम कॉर्ड को अटैच कर लेते हैं। कॉर्ड को मशीन से काउचिंग करके या हैंड नीडल से भी अटैच कर सकते हैं। गर्ल्स, आज मैं कंप्यूटराइज मशीन पर आपको कॉर्डिंग करना सिखाऊंगी। कॉर्डिंग करने के लिए हम मशीन को फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी के लिए सेट कर लेंगे। इसके लिए मुझे इस पर फुट कंट्रोलर लगाना होगा। फुट कंट्रोलर लगाने के लिए साइड में जो जैक है उसमें मैंने इसका नॉब लगा दिया है और इस पर फुट कंट्रोलर को अटैच कर लिया है। इसके बाद मैंने इसके प्रेशर फुट को हटा दिया है और फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी के लिए इसके टीथ को हम नीचे करेंगे। इसके लिए जो इसमें बैक में जो स्विच है उस पर मैंने इसके टीथ को नीचे कर दिया है। अब हम इस पर जिगजैग एम्ब्रॉयडरी के लिए जो यूटिलिटी स्टिच वाला बटन है उसको ऑन करेंगे और 4 नंबर पे जिगजैग स्टिच है उसको हम सेट कर देंगे और कॉर्ड की विड्थ के अकॉर्डिंग स्टिच की विड्थ को मैंने सेट कर लिया है। और पहले रफ पर चलाकर हम उसकी विड्थ को सेट करेंगे और फिर उसके बाद में फेयर सैंपल को हम बनाएंगे। मशीन पे धागा लगाने के बाद जिस प्रकार हम फ्रेम लगाते हैं एम्ब्रॉयडरी करने के लिए उसी प्रकार से मैंने इस पर फ्रेम लगाया है और प्रेशर फुट को मैंने नीचे कर लिया है। फैब्रिक पर पहले मैंने कॉर्ड अटैच कर ली थी और अब इस पर इसकी विड्थ को कॉर्ड की विड्थ के अकॉर्डिंग जिगजैग स्टिच को सेट कर लेंगे और फिर फुट कंट्रोलर से हम मशीन को चलाएंगे। जिगजैग की विड्थ को कॉर्ड के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद हम इस पर मशीन को चलाएंगे। जो एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड है
वो कॉर्ड को पूरा कवर करता हुआ जाएगा। इस प्रकार से इस पर कॉर्डिंग होती जाएगी। और क्योंकि ये फुट कंट्रोलर से सेट है, इसलिए हम अपने अकॉर्डिंग इसको हम इसको मूव कर सकते हैं और डायरेक्शन इसका हम चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार हम मशीन को चलाते रहेंगे और हमारी रिकॉर्डिंग होती जाएगी।